ये सच है कि अमूमन वैक्सीन्स की तैयारी के अंदर बहुत साल लगते हैं। जब भी कोई नई बीमारी आती है, किसी भी पुरानी बीमारी के लिए अगर वैक्सीन बनाने की ज़रूरत है तो उसमें 5-10 साल भी लग सकते हैं। कोविड के साथ हमने थोड़ी सी इस पूरे मरहले को हमने बहुत जल्दी कर लिया है, और ये जल्दी करने की वजह यह है कि दुनिया में इतने लोग बीमार हैं, इतने लोग मर रहे हैं कि हम नॉर्मल जो हमारी जो रफ्तार थे उस पर हम नहीं चल सकते थे। इसको तेज़ी से बनाने के लिए हमने 3-4 काम किए। एक तो ये कि जो वैक्सीन जो हम बना रहे थे वो मरहलों में या फेज़ में बनती हैं, और हमने इन तीनों फेज़ को जल्दी किया, यानी कि फेज़ 1 ख़त्म होने से पहले फेज़ 2 और फिर फेज़ 3 शुरू किया। दूसरा काम जो अमूमन कभी भी नहीं करते, इसके वैक्सीन की दरियाफ़ से पहले, वैक्सीन अप्रूवल से पहले ही वैक्सीन तैयार होना शुरू कर दी थी। इससे ख़तरा ये था कि अगर वैक्सीन काम नहीं करती तो बहुत सारा पैसा ज़ाया होता, मगर ममालिक ने और जो दुनिया के आलमी अदारे हैं उनको ये लगा कि अगर पैसा ज़ाया हो तो हो, मगर वैक्सीन तैयार होनी चाहिए ताकि जैसे ही वैक्सीन ये अप्रूव हो जाए हम जितने भी लोगों को लगा सकें लगाएँ। प्लीज़ इस बात से परेशान ना हो कि ये वैक्सीन सेफ़ नहीं है, इस वैक्सीन में कोई ऐसे अज्जा हैं जिनके बारे में उनको मालूम नहीं है। ये वैक्सीन सेफ़ है। इस वैक्सीन की तहकीक के अंदर हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जिससे हमको लगे कि वैक्सीन से कोई ख़तरा है या कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। एक चीज़ जो हमने देखी है कि इन वैक्सीन्स के बाद सोशल मीडिया के ऊपर और ख़बरों में बहुत सारी चीज़ें गर्दिश कर रही हैं जिनकी जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। अब इनमें से कुछ अजीब और गरीब चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आपने ये वैक्सीन लगाई तो आप मग्नतीजी हो जाएंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि इस वैक्सीन को लगाने के बाद आपके पास सिर्फ 2 साल हैं ज़िंदा रहने के, और कुछ ऐसी भी चीज़ें सुनने में आई हैं कि इस वैक्सीन के बाद आगे जाके बच्चा पैदा करने में मुश्किल होगी। प्लीज़ ये सब चीज़ें गलत हैं। अगर आपको कोई भी ऐसा मैसेज आता है तो दो काम करें। एक तो ये कि अपने किसी डॉक्टर से रुजू करें कि क्या इसमें कोई सदाकत है कि नहीं, और दूसरी बहुत ज़रूरी चीज़ कि इसको आगे ना फैलाएं। जब तक आपको ये नहीं मालूम कि इसमें कोई सच है, इसको आगे ना फैलाएं, क्योंकि फिर आप वही काम कर रहे हैं जो कि दूसरे लोग कर रहे हैं और गलत बात फैला रहे हैं।